कानपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के पोल कंधे पर, जिंदा बेटे को अस्पताल लाया पिता, इलाज में देरी हुई मौत, शव लेकर दर दर भटकता दिखा। बीमार बेटे को एक इमरजेंसी से दूसरी इमरजेंसी तक ले जाने के लिए पिता को नहीं मिला स्ट्रेचर, बच्चे ने पिता के कंधे पर ही तोड़ा दम। जबलपुर में बीमार बुजुर्ग को बल्ली में टांगकर अस्पताल लाने के लिए मजबूर हुए परिजन, पैदल तय किया 2 किलोमीटर का सफर, बचाई बुजुर्ग की जान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फिर उड़ा जननी सेवा एम्बुलेंस का मजाक, शाहपुरा में एक पिता बेटी की डिलीवरी के लिए 6 किलोमीटर साइकिल पर बैठा कर लाया, नहीं मिले एम्बुलेंस की सुविधा। अलवर के रामपुर गांव में पिता के दुलार पर भारी पड़ा संपत्ति का लालच, 52 साल के बेटे ने जमीन विवाद में 80 साल के विकलांग पिता की गला दबाकर की हत्या, हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में दंपति समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम से 5,000 लड़कियों को बेचने का आरोप। पुलिस के मुताबिक मानव तस्करी करने वाला ये गैंग 50,000 से 2 लाख रुपए तक में करता था लड़कियों का सौदा। बुलंदशहर में बलात्कार पीड़िता नाबालिग लड़की हुई गर्भवती, अबॉर्शन के बाद भ्रूण लेकर भटकती दिखी पीड़िता, पुलिस ने गर्भपात कराने वाले डॉक्टर को हिरासत में लिया, रेप के आरोपी की तलाश जारी। मणिपुर के बिश्नोपुर में एक स्कूल में पिटाई से छात्र की मौत पर मचा बवाल, सदमे में डूबे परिजन, धरने पर बैठे लोग। मुंबई के गिरगांव में ढही 2 मंजिला इमारत, किसी के घायल होने की खबर नहीं, बीएमसी ने पहले से दे रखा था जर्जर इमारत खाली करने का नोटिस। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर 5 युवकों से पुलिस ने की बसलू की मारपीट का आरोप, मोबाइल वीडियो में कैद भी तस्वीरें। गाजियाबाद में 2 शराबियों ने झगड़े के बाद एक दूसरे की जान ले ली, नशे में एक दूसरे पर किया था वार, पुलिस दूसरी आशंका की भी कर रही है पड़ताल। फतेहपुर में एक लड़की से सरेआम हुई छेड़खानी, पूछताछ के लिए एक नाई के दुकान पर पहुंचे परिजन को कैंची से वार कर घायल किया। छतरपुर जिले के पीरा गांव में ढहा मकान, मां बेटी की हुई मौत, परिवार के 5 सदस्य घायल। झालावाड़ में सट्टे के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार, 9 मोबाइल के साथ 3 करोड़ रुपए के हिसाब किताब की पर्चियां बरामद। लंदन ओलंपिक के 4 साल बाद पहलवान योगेश्वर दत्त को मिल सकता है रजत पदक, 2012 में कुश्ती में सिल्वर जीतने वाले रूसी खिलाड़ी कुदुकोव को डोप टेस्ट में हुए फेल। योगेश्वर को लंदन ओलंपिक का रजत पदक मिलने के साथ चमक सकती है 4थे नंबर के पहलवान की किस्मत, कांस्य पदक का बनेगा हकदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर जामनगर पहुंचे, पीएम बनने के बाद पहली बार किसी जनसभा को किया संबोधित, राजकोट में पीएम की पहली रैली। मोदी सौराष्ट्र में सावनी सिंचाई परियोजना के पहले फेज का उद्घाटन किया, पाइपलाइन के जरिए 10 बांधों में भरा जाएगा नर्मदा का पानी, 12,000 करोड़ का है परियोजना। मिशन यूपी के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रोड मैप तैयार, 6 सितंबर को देवरिया से शुरू करेंगे महायात्रा। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच फिर दिखा टकराव, एलजी के स्वास्थ्य सचिव का तबादला करने पर बोले मंत्री सत्येंद्र जैन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तबादला नहीं करने के लिए उपराज्यपाल से हाथ जोड़े और पैर पकड़े थे। एलजी ने दिल्ली विधानसभा सचिव प्रसन्ना को भी हटाया, आईएएस नहीं होने से हुआ सचिवों का तबादला, सीएम अरविंद केजरीवाल तबादला नहीं करने के लिए लगा रहे थे गुहार। आप में नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार, नवजोत कौर ने कहा सभी विकल्प खुले हैं। विशाल डल्डानी के जैन मुनि तरुण सागर पर टिप्पणी के खिलाफ, दिल्ली के दिगंबर मंदिर में धरने पर बैठी महिलाएं, कहा माफी नहीं कार्रवाई हो। भ्रामक विज्ञापन करने वाले हस्तियों की खैर नहीं, 50 लाख के जुर्माने के साथ हो सकती है 5 साल की जेल, नए कानूनी मसौदे पर आज मंत्रियों के समूह में होगी चर्चा। बीजेपी सांसद उदित राज के बाद अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने उठाया बीफ का मुद्दा, बोले गोमांस और गो हत्या पर प्रतिबंध के बाद बाकी बीफ पर लगा बैन तो करूंगा विरोध।
चेन्नई में नहीं थम रहा कावेरी नदी के पानी का विवाद, विपक्षी दलों के साथ सड़क पर उतरे किसान। फिर जाम से जूझा गुड़गांव, सुबह सुबह लगा जबरदस्त जाम। फिरोजाबाद में नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश, शोर मचाने पर भागा युवक, पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपी युवक फरार। मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा 1,11,00,000 में बिका, बिजनेसमैन नारायण सिंह ने भंवर सिंह राठौर से प्रभात नाम के इस घोड़े को खरीदा। सोमवार शाम हुई बारिश से दिल्ली गुड़गांव में कई जगह पर जाम से हाहाकार, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी जाम में फंसे। मिलेनियम सिटी गुड़गांव में एक बार फिर जाम से लोगों पर मुसीबत, कई इलाकों में घंटों जाम में फंसे रहे लोग। गुड़गांव में राजीव चौक के पास कई किलोमीटर तक लगा रहा जाम, इफ्को चौक पर पानी भरने से मुसाफिरों पर मुसीबत। दिल्ली में आईटीओ समेत कई जगह पर दिखा भारी जाम, चाणक्यपुरी में 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे लोग। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में भी बारिश से मुसीबत, गौशाला अंडरपास में पानी भरने से लोगों पर मुसीबत। बिहार के हाजीपुर में राहत सामग्री लेकर पहुंची नाव पर बाढ़ पीड़ितों ने बोला धावा, खाने के पैकेट लूटने के लिए कई लोग पानी में गिरे। बिहार के नवगछिया में बाढ़ में डूबा कोर्ट, कोर्ट परिसर में 8 फीट पानी घुसने के बाद जज के घर लगी अदालत। गंगा का जलस्तर घटने के बाद मिट्टी और गंदगी से पटे काशी के घाट, श्रद्धालुओं के लिए स्नान करना भी मुश्किल। मध्य प्रदेश के सतना में पहली बारिश में ही फूट गया 32 करोड़ की लागत से बना डैम, कलेक्टर ने कही जांच की बात। राजस्थान के पाली में प्रशासन को हादसे का इंतजार, उफनती लहरों के बीच नदी पार कर स्कूल जाते हैं बच्चे। घाटी में कुछ और इलाकों को छोड़ 51 दिन बाद हटा कर्फ्यू, नवहट्टा, पुलवामा और महाराजगंज में कर्फ्यू अब भी जारी। 4 सितंबर को गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में कश्मीर जाएगा ऑल पार्टी डेलीगेशन, घाटी में हालात की होगी समीक्षा। कर्फ्यू हटाए जाने के बाद भी जम्मू में डेरा जमाए कश्मीरी पंडित, घाटी लौटने को तैयार नहीं, सरकार से मांगी सुरक्षा। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का बयान, कश्मीर समस्या का जल्द निकलेगा समाधान, पीओके में लहराएगा तिरंगा। घाटी में अमन शांति की बहाली के लिए कानपुर में मुस्लिम समुदाय ने निकाली रैली, कहा सरकार पीओके को भी भारत का हिस्सा बना ले। 12 साल बाद भारत अमेरिका के बीच हुआ ऐतिहासिक मिलिट्री करार, जरूरत पड़ने पर दोनों देश कर सकेंगे एक दूसरे के सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल। भारत अमेरिका के बीच सैन्य करार पर चीन को लगी मिर्ची, करार के खिलाफ चीनी मीडिया में दिखा रोष। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चीनी दूतावास के पास हुआ धमाका, विस्फोट में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। खबर के मुताबिक चीनी दूतावास के बाहर खड़ी कार में हुआ धमाका, कई लोगों के घायल होने की खबर। मैक्सिको में फिर सक्रिय हुआ कोलिमा ज्वालामुखी, आसमान में चारों तरफ फैला धुएं का गुबार।